हेलो एवरीवन, आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आलू की सब्ज़ी। आइए देखते हैं कैसे बनती है। इसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच तेल, 2 उबले आलू, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरी धनिया थोड़ी सी बारीक कटी हुई, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून। गर्म तेल में जीरा डालूंगी। अब इसके बाद डालूंगी हरी मिर्च और बारी है अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की। इसे डालने के बाद थोड़ा सा चलाऊंगी। अब डालूंगी टमाटर बारीक कटे हुए और चलाने के बाद डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और मिक्स करूंगी। आलू को मैश करूंगी और अब बारी है पाउडर स्पाइसेस ऐड करने की। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। ये सभी डालने के बाद मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए कुक करूंगी। और अब बारी है आलू मिलाने की, जो हमने मैश करके रखे थे, और साथ ही साथ उन्हें बहुत अच्छी तरह से चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। अब इसे मैं कुछ देर के लिए कवर करूंगी, 1 से 2 मिनट के लिए, और कुक करने के बाद में थोड़े समय के बाद पानी डालूंगी, पानी 1 से 2 कप, और फिर अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर इसमें डालूंगी हरी धनिया। आप पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी धनिया डालने के बाद मैं फिर से 1 उबाल आने का वेट करूंगी और बस ये सब्ज़ी रेडी है सर्व करने के लिए। हम इसे पूरी, पराठा, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और साथ ही आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।